दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। मंत्री तोमर पर लोगों ने फेंका कीचड़, हटाए गए एसपी और कलेक्टर। ग्वालियर चंबल संभाग में भीषण बाढ़ का कहर जारी है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों से मिलने श्योरपुर पहुंच गए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। लोगों में सरकार के प्रति इतना गुस्सा था कि लोगों ने कृषि मंत्री तोमर पर पत्थर और कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। तोमर किसी तरह वहां से निकल भागे। इस घटना के 24 घंटे के अंदर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्योरपुर कलेक्टर राकेश श्रीवास्तव और एसपी संपत उपाध्याय को वहां से हटाकर भोपाल लूप लाइन में भेज दिया। सवाल अब यह उठता है, क्या भीषण बाढ़ कलेक्टर एसपी के कारण तो नहीं आई? कलेक्टर एसपी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से यह तो नहीं कहा कि आप बाढ़ पीड़ितों के बीच में दौरा करने आओ? यह उनका कार्यक्रम था और पीड़ितों में आक्रोश था, इसमें कलेक्टर एसपी का क्या करें, उनका क्या दोष है? खुद शिवराज हवाई यात्रा कर भीषण बाढ़ को देखने गए और वहीं से पीड़ितों को भी लगे हाथ देख लिया। फिर कृषि मंत्री श्योरपुर शहर की जनता के बीच क्यों पहुंच गए? शिवराज ने उन्हें क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं रोका कि आप भी हवाई यात्रा कर लो? जबकि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। सजा कलेक्टर एसपी को देना आसान है, अपनी गलती सरकार कभी नहीं मान सकती। आगे से बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार का हवाई दौरा हवा में ही हो, संभवतः ऐसा ही होगा। जमीन पर उतरकर बाढ़ पीड़ितों के लिए शायद ही कोई संवेदनाएं प्रकट करने नेता पहुंचे।